Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Hafiz Muhammad Waiskarni. I have done my MPhil in teacher education. So you are watching my YouTube channel that is free learning for all exams. We are going to start the preparatory session for the post of lecturer of education. The post is equivalent to BPS-17 and announced by Sindh Public Service Commission. So the topic of today is फ़िलासफ़ी. तो फ़िलासफ़ी को आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि फ़िलासफ़ी क्या होती है. ठीक है जी. तो सबसे पहले तो हम इसको ये देख लें कि द वर्ड फ़िलासफ़ी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से ये जो वर्ड है ड्राइव किया गया है. नंबर वन है जिसे हम कहते हैं फ़िला, और दूसरा है हमारे पास सोफिया. ठीक है, फ्ला और सोफिया, दीज आर टू ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स, फ्ला मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम. ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन बाय फिलोसफी? लव फॉर विजडम, लव फॉर विजडम, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फिलोसफी. अब फिलोसफी को थोड़ा और देखते हैं, फिलोसफी होती क्या है. फिलोसफी को काफ़ी दफ़ा आप बुक्स में देखेंगे, विच मीन्स सर्च, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, सर्च ऑफ रियलिटी, रियलिटी की तलाश, हकीकत की तलाश को फिलोसफी कहते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया. अब मैं आपको आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? नॉलेज और विजडम के अंदर क्या फ़र्क होता है? ठीक है, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि फ़िलासफ़ी के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, इस वजह से मैंने ये दो चीज़ें लिखी हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? तो जो नॉलेज है वो किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता चल गया, मिसाल के तौर पे देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, तो ये क्या है, ये एक नॉलेज है. ठीक है, पर यह विजडम नहीं है. ये क्या है? विजडम नहीं है. विजडम हम लोगों को जैसे सुनने को मिलता है, जैसे हमारा कोई घर में बड़ा होता है वो कहता है कि झूठ बोलना बुरी आदत है, ये क्या है, ये विजडम है. ठीक है, ये एक विजडम है, क्योंकि उसके पीछे उनका एक पूरा एक्सपीरियंस है, एक पूरी जर्नी है, जिससे उन्होंने ये एक काम की बात कही है, अकलमंदी की बात कही है. अच्छा, इसकी मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ. नॉलेज जो है वो आपका ऐसे समझ लें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, मतलब थ्योरीज हैं, आप थ्योरीज पढ़ लेंगे. मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ पढ़ ली और आपको पता चल गया, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है थ्योरी का, वो होता है विजडम के अंदर. मिसाल के तौर पे आप बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं मगर आपको उनके यूज़ का ही नहीं पता, तो इट मीन्स आपके पास नॉलेज तो है बट आपके पास विजडम नहीं है. तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम. अच्छा जी, फिलोसोफर, अब जो शख्स फिलोसफी को स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलोसोफर. वो होता है हमारे पास कौन जी? फिलोसोफर. ठीक है, अब फिलोसोफर कौन होता है? ठीक है, फिलोसोफर कौन होता है? फिलोसोफर असल में होता है अ पर्सन हु इज सर्चिंग ऑफ रियलिटी और अ फ्रेंड ऑफ विजडम. ठीक है, जो अकलमंदी है उसका क्या होता है? अकलमंदी का दोस्त होता है. जैसे लुकमान हकीम है, लुकमान हकीम के बहुत से अकलमंदी के किस्से मशहूर हैं, जो कि वो अपने बेटों को नसीहत करते हैं, तो वो नॉलेज नहीं है, वो क्या है? विजडम. तो अब हम आगे चलते हैं, डिफरेंट फिलोसोफर्स ने फिलोसफी को अलग अलग हिसाब से डिफाइन किया है कि फिलोसफी होती क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटो को. ठीक है, प्लेटो साहब हैं सोक्रेटिस के स्टूडेंट. तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो फिलोसोफर है उसका टेस्ट ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, मतलब जो फिलोसोफर होता है वो हर किस्म की जो नॉलेज होती है उसको क्या करता है? चखता है. ठीक है, और क्या होता है? नंबर वन क्वालिटी, नंबर टू ही इज़ क्यूरियस,
टू लर्न, उसको सीखने की जुस्तजू लगी हुई होती है। दूसरी क्वालिटी, एक तो वो हर किस्म की, मतलब जैसे हमारे पास है ना स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ने क्या कर दिया कि मेरा टॉपिक नहीं है। अक्सर यूनिवर्सिटी के भी जो स्टूडेंट्स पास आउट हैं, इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो ये देखते होंगे कि अक्सर कहते हैं कि जी हमारी स्पेशलाइजेशन इस सब्जेक्ट के अंदर है और हम जो हैं हमें इस एरिया का नहीं पता। ठीक है, जो जिस टीचर की इस सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन है आप उससे पूछ सकें। बट एक्चुअली फिलोसफी जो है, फिलोसफी का मतलब है एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, मतलब आप हर किस्म की नॉलेज को चखते हैं। क्यूरियस टू लर्न, आपको सीखने की जुस्तजू होती है कि मैंने ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। ठीक है, ऐसे नहीं आप इग्नोर करते हैं। आगे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट्स हैं प्लेटो के, वो मैं आपके साथ डिफाइन करूंगा, उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आएगा एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है जी, तो उसके बाद और क्या होता है, जो फिलोसोफर होता है दैट इज नेवर, और हु इज़ नेवर सेटिस्फाइड, हु इज़ नेवर सेटिस्फाइड, तो उसे हम क्या कहते हैं, हु इज़ नेवर सेटिस्फाइड, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास होता है, एक मिनट, हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड, मतलब वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसको एक नॉलेज मिल जाती है तो वो उससे आगे की सोचता है, मतलब सेटिस्फाई का मतलब ये नहीं हो किसी का आर्ग्यूमेंट जो है उसको मानता नहीं है, वो मानता है, मानने के बाद फिर और उसके अंदर क्वेश्चन करता है, मतलब क्यूरियस टू लर्न होता है, उसके अंदर जो सीखने की जुस्तुजू होती है, फिर उसके अंदर क्वेश्चन करता है, फिर आगे से उसको उसका जवाब मिलता है, फिर उसके अंदर क्वेश्चन करता है, तो इस तरह वो सीखता जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू द प्लेटो फिलोसोफर के पास ये तीन क्वालिटीज होती हैं। इसी तरह ही अब फिलोसोफर्स जो होते हैं उनके लेंसेज होते हैं, जैसे आपने थ्योरीज पढ़ते हैं तो थ्योरीज के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर डिफरेंट थ्योरीज हैं। ठीक है, मैंने पहले ये थ्योरीज वहाँ पे पढ़ी थी, बट अब जब मैं फिलॉसफी के करीब आया हूँ और फिलॉसफीज को देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी वही सेम लेंसेज हैं। लेंसेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ग्रीन लेंसेज पहन लिए तो आपको पूरी दुनिया ग्रीन दिखेगी। अगर काफ़ी लोगों को आपने देखा है कि वो सूरज की रोशनी के अंदर ब्लैक ग्लासेस पहनते हैं तो उनको क्या होता है, फिर दुनिया ब्लैक दिख रही होती है। तो लेंसेज जो हैं हमारी फिलॉसफी के अंदर भी हैं, जिसे हम अप्रोचेस भी कह सकते हैं। ठीक है, अप्रोच, आपकी अप्रोच क्या है, आपका लेंस क्या है, आप किस लेंस से देख रहे हैं, किस ढंग से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, तो देर आर डिफरेंट अप्रोचेस इन द फिलॉसफी, और उसको हम वन बाय वन कर आगे आने वाली वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। बट मैं यहाँ पर लिख दूँ ताकि आपको पता चल जाए वो अप्रोचेस कौन सी हैं। नंबर वन, आइडियलिस्ट अप्रोच। ठीक है, ये हमेशा जो है आइडियाज़ के ऊपर जो है बिलीव करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड को जो है नहीं मानते। ठीक है, मतलब ज़्यादा इनका फोकस जो है, मेन आइडिया जो है वो आइडियाज़ के ऊपर है। इसी तरह ही नंबर टू, नेचुरलिस्ट। ठीक है, नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट क्या होते हैं, वो कहते हैं कि जी इंसान को जो हम बाउंड कर देते हैं, बाउंड करके जो पढ़ाते हैं ये बिल्कुल गलत है, इंसान को छोड़ दिया जाए, फ्रीली छोड़ दिया जाए, वो एनवायरनमेंट से खुद पढ़े। ठीक है, उसको हम अब बाउंड करके नहीं पढ़ा सकते, लर्न फ्रॉम नेचर, इनका ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये आगे है प्रैग्मेटिस्ट। ठीक है, प्रैग्मेटिस्ट क्या है, वो कहते हैं कि इंसान जो है सोसाइटी से सारी चीज़ें सीखता है, अपना एक्सपीरियंस डे बाय डे डेवलप करता रहता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रियलिस्ट। रियलिस्ट मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद है असेंशियलिस्ट। ठीक है, और उसके साथ है प्रोग्रेसिस्ट, ये है असेंशियलिस्ट। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास लास्ट में प्रोग्रेसिव। ठीक है, जिसे प्रोग्रेसिविज्म कहा जाता है। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंट लेंसेज हैं फिलोसफी के, और ये हम आने वाली वीडियोस में इसको वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि जो हर फिलोसोफर है, डिफरेंट फिलोसोफर्स की अलग अलग डेफिनेशंस हैं फिलॉसफी के बारे में। ठीक है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करें या किसी भी बुक में देखें तो आपको जो फिलॉसफर है वो किसी भी एक बात के ऊपर एग्री नहीं दिखेंगे। अगर एक चीज़ है कि नुक्ता है तो हो सकता है सॉक्रेटिस इसको यहाँ से देख रहा है और प्लेटो यहाँ से देख रहा है, तो ये भी अपनी जगह पे सही है और ये भी अपनी जगह पे सही ही है। हम लोग क्या करते हैं, जो ख़ास तौर पे जो नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सोशल साइंस पढ़ते हुए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नेचुरल साइंस में हैंस प्रूव्ड या इस गार्ड वाला जो है टर्म से हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ हमने प्रूव कर लिया। बट जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस के अंदर इस गार्ड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
तो इस वजह से वो स्टूडेंट जो स्विच करते हैं अपनी फील्ड को, उनके लिए ये वाली जो चीज़ है थोड़ा समझने में उनको टाइम लगता है। तो वो टाइम यही है कि क्या है जी, ये वाली अप्रोच भी सही है और ये वाली अप्रोच भी सही है। तो इसी तरह ही हर चीज़ के ऊपर हर बंदा सही हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो ही सही है। हर बंदे की अप्रोच अलग अलग हो सकती है, ये अप्रोचेज हैं डिफरेंट। अच्छा जी, तो अरिस्टोटल मैं सिर्फ दो को डिस्कस करूँगा, ठीक है, ज़्यादा को मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी डेफिनेशंस, इस वजह से मैं इनकी जो डेफिनेशन से वो आपके सामने लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो अरिस्टोटल क्या कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं फिलोसफी इज द साइंस। फिलोसफी क्या है, एक साइंस है, और वो क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेट द नेचर। इन्वेस्टिगेट क्या करती है, नेचर को करती है। फिलोसफी एक साइंस है और इन्वेस्टिगेट करती है नेचर को, कैसे जी, इट्सेल्फ, खुद ही। तो इंसान क्या है, वो फिलॉसफी के थ्रू साइंस को पढ़ता है, इन्वेस्टिगेट करता है नेचर को अपनी आप से ही। तो ये अरिस्टोटल का कहना है। उसके बाद एक और हमारे पास जो है फिलोसोफर हैं जिन्हें सैरियो कहते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि फिलॉसफी जो है एक्चुअली इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, सारे आर्ट्स की जो माँ है वो फिलॉसफी है, और ट्रू मेडिसिन टू माइंड। ये मुझे इनकी ये लाइन जो है बहुत अच्छी लगती है कि ट्रू मेडिसिन ऑफ माइंड, माइंड के लिए जो है ट्रू मेडिसिन का काम करती है फिलॉसफी, आप सेटिस्फाई रहते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हमने पढ़ ली अब फिलॉसफीज, अब हम ज़रा आगे चलते हैं और हम आते हैं ब्रांचेस की तरफ, ठीक है, ब्रांचेस ब्रांचेस एंड स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफीज, ब्रांचेस एंड स्टाइल्स दोनों ही रिलेटेड हैं, एग्जाम्स के अंदर इनसे सवालात आते हैं, ठीक है जी। तो ब्रांचेस कौन सी हैं, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, देर आर थ्री ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस हैं, थ्री ब्रांचेस, और स्टाइल्स कितने हैं फिलोसफी के, वो भी थ्री हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं, नंबर वन जो है हमारे पास, नंबर वन ब्रांच है हमारे पास फिलोसफी की, उसे हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी। क्या कहते हैं जी, ऑन्टोलॉजी, और ऑन्टोलॉजी को वी आर ऑल्सो कॉल्ड मेटा फिजिक्स, मेटा फिजिक्स, ठीक है। मेटा फिजिक्स का मतलब क्या होता है, आफ्टर द फिजिक्स विच इज नॉट फिजिकली टच, मतलब बियॉन्ड द फिजिक्स, और उसको हम टर्म देंगे रियलिटी का, ठीक है, जो रियलिटी के बारे में बात करे फिलोसफी की ब्रांच, उसे हम कहते हैं मेटा फिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड है हमारे पास, सेकंड ब्रांच है, उसे हम कहते हैं एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी द स्टडी ऑफ नॉलेज। किसकी स्टडी होती है इसके अंदर, नॉलेज की स्टडी की जाती है कि नॉलेज क्या है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि हर बंदे की फिलॉसफी अलग है, हर बंदे के लिए नॉलेज एक चीज़ नहीं होती, हर बंदे के लिए नॉलेज की डेफिनेशन अलग अलग होती है। इसी तरह ही थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आती है, ये हो गया वन, सेकेंड एंड द थर्ड वन इज एक्सियोलॉजी। तो एक्सियोलॉजी क्या है, एक्सियोलॉजी है द स्टडी ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज़, वैल्यूज़ क्या हैं, गुड और बैड, वैल्यूज़ जो हम कल्चर से सीखते हैं, कल्चर से और सोसाइटी से हम वैल्यूज़ सीखते हैं। मिसाल के तौर पे इधर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वैल्यूज़ हमारे पास ये है ना कि क्लासरूम के अंदर जो अगर एक स्टूडेंट्स इंटर करता है विदाउट द परमिशन ऑफ टीचर, तो टीचर उसको क्या बताता है कि बेटा ये चीज़ क्या है, बैड है, गुड नहीं है। गुड चीज़ क्या है, गुड है जी, यू मे आस्क अ परमिशन फ्रॉम टीचर और एनी वन हु इज़ टीचिंग इन द क्लास। तो ये क्या हो गई, ये वैल्यूज़ हो गई जिसने कॉन्सेप्ट बनाया गुड और बैड का। इसी तरह ही ये वैल्यूज़ कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम वेरी करती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हो गई, अब हम इसकी स्टाइल्स की तरफ चलते हैं क्योंकि इन दोनों का रिलेशन आपस में बहुत आता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो ऑन्टोलॉजी और जो हमारे पास मेटाफिजिक्स है वो हमारे किस स्टाइल ऑफ फिलॉसफी के साथ रिलेट करती है, उसे हम कहते हैं स्पेक्यूलेटिव, ठीक है, स्पेक्यूलेटिव फिलॉसफी। स्पेक्यूलेटिव फिलॉसफी के अंदर हम करते क्या है, ठीक है, स्पेक्यूलेटिव फिलॉसफी, तो स्पेक्यूलेटिव फिलॉसफी के अंदर होती है थ्योरी डेवलपमेंट। क्या होती है, थ्योरी डेवलपमेंट, थ्योरी डेवलपमेंट किसके बारे में होती है, रिगार्डिंग
रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, ठीक है, इंसान की क्रिएशन के बारे में थ्योरी डेवलपमेंट्स होती हैं, सोसाइटी के बारे में होती हैं, ठीक है, सोसाइटी किस तरह है, पूरी सोशियोलॉजी और जितनी भी फिलोसफीज है, सारी जो थ्योरीज हैं वो स्पेकुलेटिव फिलोसफी, मतलब थ्योरी की डेवलपमेंट जो होगी वो ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स में होगी, मतलब रियलिटी के अंदर होगी, और ये स्टाइल कौन सा है फिलोसफी का, स्पेकुलेटिव फिलोसफी, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो एपिस्टोमोलॉजी है, एपिस्टोमोलॉजी, ठीक है, ये किस फिलोसफी को जो है उसके साथ रिलेट करती है, ये फिलोसफी है नॉलेज की, और नॉलेज के साथ जो इसकी स्टाइल है फिलोसफी का वो है एनालिटिक, एनालिटिक फिलोसफी। एनालिटिक फिलोसफी क्या करती है, एनालिटिक फिलोसफी करती है एक्सप्लेन द होल, मतलब कोई भी चीज़ है वो पूरी है उसको पार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, पहले पार्ट्स को स्टडी किया जाता है, पार्ट्स को स्टडी करने के बाद आप जो है होल की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्लासरूम की, एक टीचर है वो क्या करता है, एक बाहर से कोई सुपरवाइज़र आता है और वो स्टूडेंट्स की क्या करता है, असेसमेंट करता है, स्टूडेंट की असेसमेंट करने के बाद उसने एक सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स उठाए हैं 80, दूसरे के इंग्लिश के अंदर उठा लिया उसने 80, अरेबिक के अंदर उसने उठा लिए लेट सपोज 40, ठीक है, तो ये अब चीज़ आ गई। अब ये दो अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट हैं, और इनसे वो जो बच्चे का पूरा स्टैंडर्ड और स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि देखें आप लोग इंग्लिश में तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरा आपको फोकस की ज़रूरत है किसके ऊपर, अरेबिक के अंदर। तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करके वो पूरे होल चीज़ों को स्टडी कर लेता है, एक ब्रॉडर व्यू की तरफ चला जाता है। तो ये हम सारी चीज़ें एपिस्टोमोलॉजी और एनालिटिकल फिलॉसफी के अंदर पढ़ते हैं। लास्ट में हमारे पास है जी एक्सियोलॉजी, तो एक्सियोलॉजी जो स्टडी करती है वो जो स्टाइल है उसका फिलॉसफी का वो है प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी। प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी के अंदर क्या होता है, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज़ अच्छी मतलब आप कह सकते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी और टाइम टू टाइम वेरी करती हैं। इसके अंदर फर्दर दो ब्रांचेज हैं, एक है इथिक्स, जो वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई थी गुड और बैड वाला कॉन्सेप्ट, और एक है एस्थेटिक। एस्थेटिक किसको फॉलो करती है, जो वो स्टडी करती है ब्यूटी, ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक गोरा बच्चा है और उसकी माँ उसको कहती है कि मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लगे, ठीक है, तो बात समझ आती है। बट अगर एक बिल्कुल काला बच्चा है, ठीक है, उसका रंग भी बिल्कुल काला है और उसके लिए भी उसकी माँ वो सेम ही बात करती है, तो यहाँ पे क्या है, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट चेंज है, ठीक है। एक बंदे की ब्यूटी क्या है कि वो उसको वाइट कलर पसंद आ रहा है, देखने वाले की ऑब्जर्वेशन है, वो बोलेगा ये तो हाँ वाकई खूबसूरत बच्चा है, ये ब्यूटी भी है और इसको नज़र ना लगे तो बात समझ आ रही है। बट एक बिल्कुल ब्लैक बच्चा है, काला बच्चा है और उसकी माँ भी उसके लिए सेम दुआ कर रही है, तो दोनों माओं के जहन के अंदर जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है, और वो सारा कुछ हम जो पढ़ते हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी के अंदर पढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ कि एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन के अंदर इन तीनों स्टाइल्स को, इन तीनों स्टाइल्स को किस तरह स्टडी किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास जो ऑन्टोलॉजी है वो थ्योरी डेवलपमेंट के काम आती है, ठीक है। अब ये मैं एजुकेशन के अंदर आके आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसकी यूजेज क्या है, थ्योरी डेवलपमेंट के काम आती है। उसके बाद जी हमारे पास जो एपिस्टोमोलॉजी है, ठीक है, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एपिस्टोमोलॉजी असेसमेंट के काम आती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी क्लासरूम वाली एग्जांपल बताई थी इंग्लिश और अरेबिक की। उसके बाद जो हमारे पास एक्सियोलॉजी है, एक्सियोलॉजी हमारे पास जो सोसाइटी हमारा स्कूल है उसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो बनाने के काम आती है कि राइट और रॉन्ग। जैसे एक और चीज़ है कि अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपने बाहर जाना है, आपका दोस्त आया है, तो आप क्या करेंगे, आप टीचर से इजाज़त लेंगे, तो ये क्या है, राइट थिंग, और अगर आप इजाज़त नहीं लेते तो ये क्या है, रॉन्ग है। अगर आपका लेट सपोज क्लास के अंदर मोबाइल की रिंग आना शुरू हो जाती है तो वो वैल्यू क्या है, राइट है या रॉन्ग है, वो वैल्यू रॉन्ग है, फिर टीचर आपको एक लेक्चर देगा और आपको ये सारी चीज़ें समझाएगा। तो ये था ओवरऑल जो आज हमने पढ़ा फिलॉसफी के बारे में कि फ़िलासफ़ी क्या होती है, ठीक है, फ़िलासफ़ी को अच्छे तरीके से देखा। उसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी देखी,
ठीक है, उसके बाद हमने स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी को देखे। तो ये तीन चीज़ें आज हमने कवर की हैं। होपफुली यू हैव लर्न अलॉट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो सो यू मे आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी को फर्दर स्टडी करेंगे डीप के अंदर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़।